भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से T20 सीरीज शुरू हो रही है और उसका पहला जो T20 इंटरनेशनल है वो वेलिंगटन में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही टीमें T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हारी हैं और उसका जो एक दुख है वो दोनों टीमों के पास है। तो उस दुख की सिचुएशन से निकलने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए, अपने लोगों को खुशी देने के लिए, अपनी टीम से खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए दोनों टीमें एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कमी नहीं करने वाली और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि उन्हें इस मैच में जीत मिले ताकि सीरीज में उनकी बढ़त हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला T20 इंटरनेशनल वेलिंगटन में खेला जाएगा। भारतीय टीम एक नए कप्तान के साथ है, हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे हैं, कोच भी नया है, VVS लक्ष्मण टीम के कोच हैं। जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो उनके कप्तान केन विलियमसन ही हैं। तो अब जो बात आ रही है कि हाँ, दोनों टीमों की क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो देखिए जब आप किसी के घर पर जाकर खेलते हैं तो उसका बेनिफिट होम टीम को तो हमेशा मिलता है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो न्यूजीलैंड को एक बढ़त तो है क्योंकि वो अपने मैदान पर खेलेगा, वो उस मैदान के बारे में सब कुछ जानता है, उसके दर्शक होंगे। लेकिन इन सब के बीच जो अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने बाइलेटरल सीरीज़ में, मैं ICC या किसी टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइलेटरल सीरीज जो होती हैं, जो द्विपक्षीय सीरीज होती हैं, उसमें भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें T20 की बात, तो जो न्यूजीलैंड के साथ भारत के 20 मैच हुए हैं उसमें 11 में भारतीय टीम को जीत मिली है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम भी अपना दावा नहीं छोड़ने वाली और हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथ प्रूफ करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात बहुत जोर शोर से की जा रही है कि क्या T20 के लिए भी एक अलग कप्तान बनाया जाए। हर फॉर्मेट के लिए एक अलग कप्तान की बात हो रही है, तो हो रहा है कि ODI और टेस्ट की कप्तानी तो रोहित शर्मा के पास रहने दी जाए लेकिन T20 की कप्तानी किसी और को सौंपी जाए। ये बातें जो है वो चल रही है, विश्लेषक इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तो हार्दिक पांड्या को भी खुद को प्रूफ करना है कि हाँ, वो टीम को लीड कैसे करते हैं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है दोनों टीमों के बीच। हम जानते हैं कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल उनका एक अपना बिंदास अंदाज है, लेकिन जैसा कि VVS लक्ष्मण ने कहा कि मैदान में वो बहुत शांत रहते हैं और डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, और इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया IPL में जो उनकी टीम को उन्होंने चैम्पियन बनाया था, उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया। तो अब अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो युवा खिलाड़ियों से लैस है। अब लगता है कि चूंकि राहुल नहीं है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, तब तो भाई प्लेइंग 11 चुनना आसान होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और यही तो इस टीम की खासियत है या भारतीय क्रिकेट की खासियत है कि प्लेइंग 11 चुनना आज भी आसान नहीं होने वाला है। किसी भी कप्तान के लिए वो सरदर्द ही है। आप ही सोचिए ओपन किससे कराया जाए। ईशान किशन हैं, शुभमन गिल हैं, अगर आप इनसे ओपन कराते हैं और ऋषभ पंत जो कि टीम के उपकप्तान हैं, अगर वो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, क्योंकि 3 नंबर पर आपको श्रेयस अय्यर और 4 पर सूर्य कुमार यादव हैं, तो अगर 5 पे आपको ऋषभ पंत आते हैं तो फिर संजू सैमसन और दीपक हुड्डा कहाँ जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर पे तो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, फिर 7 पे आप किसी ऑलराउंडर को ढूंढेंगे तो फिर ये दोनों खिलाड़ी कहाँ जाएंगे। अब अगर आप ऋषभ पंत को ओपन में लेकर आते हैं तो फिर ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है, तब फिर आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं या फिर आप दीपक हुड्डा को खिला सकते हैं। जिस तरह से लक्ष्मण ने ऑलराउंडर्स की बात की है तो आप देखें तो वैसे में दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर और हर्षल पटेल के खेलने की संभावना बढ़ी हुई लग रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा? चूंकि कई बार हमने देखा है कि कहीं तो कुछ और बातें जाती है लेकिन असल में होता कुछ और है। इसके अलावा जिस निडर क्रिकेट की बात की जा रही है कि बेखौफ होकर खेलना है, क्या उसके लिए टीम इंडिया वो हिम्मत जुटा पाएगी? क्योंकि ये हिम्मत की बात है, ये भी हिम्मत की बात है
कि आप उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में जगह देते हैं या नहीं, ये एक बड़ा फैसला है। और मुझे हमेशा लगता है कि जब कोई तेज़ गेंदबाज अपने शीर्ष पर हो, अपने पिक फॉर्म में हो, उसी वक्त उसको टीम इंडिया में जगह मिल जानी चाहिए, क्योंकि फिर समय के साथ आप जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स को इंजरी आती है तो उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, बहुत सारी बातें आती है। तो उमरान अभी तेज़ गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और एक विशुद्ध तेज़ गेंदबाज हैं, तो क्या उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आपके पास अर्शदीप हैं तो वो खेलेंगे, तो आप किन गेंदबाजों के साथ जाते हैं, आप क्या युवा तेज गेंदबाजों को मदद दें करने के लिए तैयार हैं, क्या आप उन्हें एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं आने वाला कल आपका है, और चूंकि अब विश्व कप 2024 में होना है तो मुझे अनुभवी और जो पुराने समय से खेल रहे हैं और जो शायद 2024 तक न दिखे उन गेंदबाजों को मौका नहीं देना है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को देना है और टीम तैयार करनी है 2024 विश्व कप को देखते हुए, जो T20 का विश्व कप होना है। तो इतनी हिम्मत क्या टीम इंडिया जुटा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, ये तो टॉस के वक्त ही पता चलेगा। हाँ, अब एक बात और है कि लक्ष्मण ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल बीच में विकेट लें, तो अब अगर वो उन दोनों को खिलाते हैं तो क्या वाशिंगटन सुंदर बाहर बैठेंगे या वाशिंगटन सुंदर भी टीम में होंगे, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर जो है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उन्होंने कई बार अपने को साबित किया है और उनकी जो बैटिंग है वो प्लस पॉइंट है, जबकि आप सभी जानते हैं कि चहल या कुलदीप की जो बल्लेबाजी है वो उस स्तर की नहीं है। तो भारतीय टीम के सामने ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, न्यूजीलैंड की टीम में ट्रेंट बोल्ट नहीं है, इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने जो है एक समझदारी से टीम चुनी है, केन विलियमसन के रूप में उनके पास वो अनुभव है, वो कप्तान है जो कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, एलन टीम में है, फिलिप्स टीम में है, कॉनवे हैं टीम में, तो बल्लेबाजी उनकी कमज़ोर रही है, गेंदबाजी में आप फर्ग्यूसन की तेज़ी आपको मिलेगी, इसके अलावा इस जोड़ी के स्पिन का भी आपको सामना करना होगा, तो एक उनका जो टीम है न्यूजीलैंड का वो बड़ा ही संतुलित टीम जैसा दिखता है। दूसरी तरफ भारत की जो टीम है वो युवा टीम है, लेकिन ये जो युवा टीम है भारत की, ये जो यंगिस्तान है इंडिया की, उसमें इतना दमखम है कि वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को उसके घर में हरा सकती है, लेकिन उसके लिए जिस हिम्मत की ज़रूरत है, जो आप फैसलों में वो हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। कहीं आप फिर वही परिस्थिति, वही माहौल का अगर रोना लेकर बैठते हैं तब परेशानी बढ़ेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो जो एक पुरानी सोच है कि हम परिस्थिति और माहौल के अनुसार खेलेंगे, उसे दरकिनार करते हुए जो T20 की डिमांड है कि बेखौफ क्रिकेट खेलिए, बिल्कुल निडर होकर क्रिकेट खेलिए, वैसा क्रिकेट जो है टीम इंडिया के खिलाड़ी खेलेंगे, और आज पहले T20 इंटरनेशनल में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की अग्रता हासिल करेंगे। तो जो ये यंग इंडियन टीम है और हार्दिक पांड्या की पूरी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, मैच पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो कुछ भी होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, बस आप देखते रहिए न्यूज़ बाई स्कोप। नमस्कार।